नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूं मे एक्सपायरी के लिए या मे मंथ तक के लिए वो पांच दस के दस स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ स्टॉक्स मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूं कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को बाय करवा रखे हैं कुछ स्टॉक्स में हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक आज कर चुके हैं एंड कुछ स्टॉक्स अभी बाय लेवल पे नहीं आया बट जिस पर ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे अलग से दस स्टॉक्स में आप लोग लेकर आ रहा हूं जहां पर आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हो एक महीने के लिए भी तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिल सकते हैं मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बात कर रहा हूं और खुद पर्सनली मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि मैंने उन कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है एंड मैंने अपने क्लाइंट्स को भी पर्सनली उनमें इन्वेस्ट करवा रखा है सो मैं आप लोगों को उन्ही दस स्टॉक्स की तरफ लेकर जाता हूं मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि क्या पैटर्न बना मतलब आपको पूरा ड्रॉ करके नहीं बताया जाएगा ऑलरेडी मैंने वो स्ट्रक्चर बना रखा है मैं आपको बता दूंगा किस लेवल से बाय करना है या अगर कभी डिप मिले तो आप उसे बाय करिए ठीक है सो so, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं वो दस स्टॉक्स में बताने वाला हूं जो आप एक महीने के लिए होल्ड करके चल सकते हैं सो so, बात करते हैं सबसे पहले उन दस स्टॉक्स की और मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के आखिरी में सो so, तब तक के लिए बाय बाय सोगाइ so जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं खुद हमारे यहां पर पर्सनल होल्डिंग है अराउंड 1870 पे हम लोगों ने यहां पर बाय कर रखा है और फ्यूचर इसका एंड uh, यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है सीमेंस इंडिया सीमेंस इंडिया हम लोगों ने बाय कर रखा है आप लोग यहां पर क्लियर बेसिस पे एक देख सकते हैं कि एक शार्प अपमूव आई उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा और टुडे अ वेरी गुड ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको एक ग्राफ शो कर रहा होगा ये ग्राफ एक्चुअल में आपको एक तरीके से बता सकते हैं वॉल्यूम बताता है कि एक्चुअल में किस लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर है वो लेवल आप देख सकते हैं जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोगों ने बाय करा एंड यहां पर हमें अच्छे रिजल्ट अभी मिल रहे हैं अभी आप करंट प्राइस की मैं बात करूं तो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट अभी ओपन है जब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूं सो so, अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 1877 1878 का हम लोगों ने अराउंड 1870 पे बाय कर रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को सो so, यस yes, आप लोग बाय करके चल सकते हैं मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके टारगेट की सो so, इसका जो टारगेट है वो है 1960 1950 का दोबारा सुनेगा 1950 से लेके 1960 तक का टारगेट है एंड जो इसका प्रोबेबली स्टॉप लॉस होगा वो इसका स्टॉप लॉस होगा लेट मी टेल तक इसके टारगेट से नेक्स्ट मंथ तक आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने फ्यूचर में होल्ड कर रखा हुआ है सो डोंट वरी ओके सो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टॉक इज ग्रेनुअल्स ये भी हमारे पास अभी तक होल्ड पड़ा हुआ है ग्रैनुअल्स इंडिया की मैं बात कर रहा हूं आप यहां क्लियर बेसिस पे देख सकते हैं इस तरीके का आपको शो कर रहा है जस्ट वेट अ सेकेंड लेट मी रिमूव दिस ऑल आइटम्स ओके सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक राइजिंग फॉल uh, में अपना ये पूरा का पूरा चैनल काम कर रहा था उसके बाद इसने क्या करा आप देख सकते हैं यहां से ऊपर गया स्टॉक दोबारा नीचे आया दोबारा ऊपर अपने previous हाँ को दोबारा नीचे आया अब आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा के बाद हायर आइज एंड हायर लोस प्लस इसने इसका ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव रीटेस्ट और रीटेस्ट से दोबारा बाउंस करके ये ऊपर की तरफ किया है विच इज अ वेरी गुड साइन एंड आई पर्सनली थिंक ये भी ऊपर जा सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट एज वेल ओके सो so, यहां पर मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसका बना दिया है एंड ओके सो दिस इज द यहां देख सकते हैं इसका जो टारगेट है करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो चल रहा है 335 का एंड मैंने इस थर्टी टू पे बाइंग बना रखी है एंड इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा थ्री हंड्रेड का थ्री फोर हंड्रेड का इसका टारगेट होगा जो कि नेक्स्ट मंथ तक प्रोबेबली आ सकता है तो ये पर्टिकुलर था सेकेंड स्टॉक लास्ट थर्ड स्टॉक की बात करते हैं एक स्ट्रक्चर पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था उसके बाद इवेंचुअली जब ये ब्रेक हुआ दैट रेजिस्टेंस बिकम मल्टीपल सपोर्ट एंड इसी का एक्ट कर रहा है अब आप यहां देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली इस लेवल से ये बाउंस कर रहा है सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हम कह सकते हैं जो हम देखने को मिल रहे थे वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसी जोन के अंदर देखने को मिल रहे थे जो ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है एग्जैक्ट इस रेड कलर की लाइन पे हम लोग सबसे ज्यादा वॉल्यूम देख रहे थे प्रेशर देख रहे थे जहां पर आ रहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है एक दिन और तो हम लोग ज़्यादा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रखा है अनएक्सपेक्टेडली स्टॉक अभी भी अच्छा कर रहा है आप हमारे पास खुद की पर्सनल होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप लोग भी बना सकते हैं एंड आई पर्सनली थिंक इसका जो टारगेट होगा वो अराउंड होगा दिस पर्टिकुलर लेवल एंड द स्टॉपलॉस शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल ओके सो यहाँ पर आप क्लियरली देख, देख सकते हैं इसका जो टारगेट है वो टारगेट है अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड एंड एट्टी के आसपास का एंड इसका जो स्टॉपलॉस होगा वह होगा इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी के आसपास तक का ठीक है अब मत बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दैट इज टाटा पावर टाटा पावर आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ओके सो आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा नहीं बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देख सकते हैं इसने इस पर्टिकुलर लेवल का एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद आप यहां क्लियरली देख सकते हैं दोबारा इसके ऊपर जाने की कोशिश करें फर्स्ट आर पे अगर आप देखेंगे आज मार्केट पर क्या हुआ फर्स्ट आर पे जब ये कैंडल ओपन हुई तो 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज के नीचे आई एग्जैक्ट एक जगह रिटेस्ट कराएं डिसाइडेड टू मूव बैक अप अगेन सो so, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है पर्सनली मेरी खुद की अभी भी बाइंग है नाइन्टी सेवन पॉइंट फिफ्टीन के आसपास की मेरी पर्सनली बाइंग है एंड यहां पर हम लोग अभी भी एक बाय सेटअप जनरेट करके चल सकते हैं जो मेरा टारगेट है वो वन जीरो फाइव वन जीरो सेवन तक का है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आ सकता है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव रुपीज का ठीक है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज अमराजा बैटरी अमर राजा बैटरी का मैं वन आर का चार्ट, डेली चार्ट ओपन कर देता हूं एंड आप यहां क्लियरली एनालिसिस पूरी की पूरी देख सकते हैं कि स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिया है इसने एक काइंड kind ऑफ of, uh, uh, आप यहां देख सकते हैं कि एक गाटले पैटर्न फॉर्म करा है एंड इस गाटले पैटर्न को फॉर्म करने के बाद एग्जैक्ट यहाँ से ये बाउंस देना स्टार्ट कर रहा है बाउंस देने स्टार्ट करने के बाद अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा इसके पास लेकर जाता हूं तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक पे जब हम लोगों ने एक वॉल्यूम बेसिस का ग्राफ पुट करा तो हमें पता चला एग्जैक्ट सबसे मल्टीपल रेजिस्टेंस इस लेवल पे है इसको फेल करके ऊपर गया और अभी इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज अ वेरी गुड साइन आई थिंक और इस पर भी मेरी पर्सनली होल्डिंग है मेरी क्लाइंटेस के पास पर्सनली होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज बी इस करंट प्राइस पे पे है। है? कर uh, कर चल रहा है के आसपास तक का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने करा क्या है मी मेक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर यू अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक ने क्या करा है एक सिमिट्रिकल पैटर्न का फॉर्मेशन का पैटर्न फॉलो करा उसके बाद एक शार्प अप मूव एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट और उसका आज कल के दिन हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा आज के दिन कंटिन्यू फॉलोअप देखा विद अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट ठीक है एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनली गुड स्टॉक आप देख सकते हैं कि इसने क्लियरली क्लियरली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एंड आई थिंक इसके बढ़िया से बढ़िया टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूं और मैं इस पर्सनली स्टॉक को होल्ड करूंगा इस मंथ भी अगर मेरे टारगेट्स नहीं आते हैं इस स्टॉक को मैं जनरली और ज्यादा मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है सो so, मेरा इसका टारगेट है प्रीवियस हाई तक के लिए मेरा स्टॉप लॉस दिस पर्टिकुलर लेवल रहेगा यानी कि वन इट टू थ्री का टारगेट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पंद्रह सौ रुपए तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं ग्यारह सौ रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करंट प्राइस है बारह सौ रुपए मतलब सौ रुपए का स्टॉप लॉस है तीन, रु, तीन सौ रुपए का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हो सकता है कि शायद ये एक महीने के अंदर ना आए ज्यादा टाइम लगा ले बट स्टॉक को मैं होल्ड करने वाला हूं ये वैसे भी मैंने कैश में ले रखा ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक ये स्टॉक मैंने बाय नहीं करा एम मैं ब्रेकआउट होने का इंतजार कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ओके okay? सो लेट मी मेक दिस अ जोन फॉर यू आप यहां क्लियरली देख सकते हैं जैसी इस जोन का ब्रेकआउट होगा यानी कि करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 545 का जैसे इसका ब्रेकआउट होता है 550 के ऊपर ये स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल भारती एयरटेल जैसी फाइव के ऊपर क्लोजिंग देता है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम आई विल गो फॉर अ बाय और मेरे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे सिक्स तक के यहाँ पर आप क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूं ये मेरे टारगेट्स हैं एंड ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सो so यानी कि 550 पे बाय करना है 525 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 600 का हमारा टारगेट रहेगा और दैट इज वन टू टू का मतलब रिज टू रिवॉर्ड रेशियो में आराम से मिल रहा है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज रैलिस इंडिया रैलिस इंडिया आप यहां क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने करा क्या एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि रिटेस्ट एंड इट्स अगेन स्टार्टेड टू मूव बैक अप ठीक है इस लेवल पे बाय करना आई डोंट थिंक कि थोड़ा सा सही है एक डिप मिलने तो मतलब 280, 282 के आसपास आने दो तब इस पर हम लोग एक फ्रेश पोजीशन बाय करेंगे थ्री ट्वेंटी तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ एंड उसके अलावा बीस रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा चालीस रुपए के हमारे टारगेट्स होंगे जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोगों को आराम से मिल जाएगा ठीक है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज सी सिटी यूनियन बैंक यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पर भी एक कंसोलिडेशन रेंज हो रही थी एंड इसका भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया प्लस टू हंड्रेड एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज का इसने चार दिन पहले ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इट गेव अ रिटेस्ट रिटेस्ट देने के बाद हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इसने अगेन एक अपमूव दिया और अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है सी यू बी इसके जो पर्टिकुलर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं लेट मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल यहां तक के जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेट मी शो यूस पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक भी मैंने आज के दिन कैश में बाइंग कर रखी है ठीक है अब आते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ दैट इज एम महानगर इसका मैं वेट कर रहा हूं अभी तक जैसे इसका वेट कंप्लीट होता है मैं यहां पर बाइंग स्टार्ट कर दूंगा ठीक है आप यहाँ पर वैसे सबसे पहले क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने क्या फॉर्मेशन करी है क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रेंज को इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया है और कंटिन्यूसली इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग हायर आइज एंड हायर लो सो ये लिए अच्छा है ठीक है बट मैं अभी बाय नहीं कर रहा मैं कब करूंगा जब ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएगा दैट इज़ दिस लेवल ये अपने प्रीवियस हाँ को आज ब्रेक करके ऊपर चले जाएगा यानी कि हम बाइंग करेंगे इस पे इलेवन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तभी बाइंग करेंगे हमारा ट्वेल्व थर्टी तक का स्टॉप लॉस होगा यानी सौ रुपए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पचास रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा तो इस पर भी वन इज टू है सो आई होप मैंने आप लोगों के दस के दस स्टॉक्स मे के लिए बता दी होंगे कि जो मैंने पर्सनली बाइंग कर रखी है मेरे क्लाइंट्स ने बाइंग कर रखी है एंड एक स्टॉक और था जो मेरे अपने क्लाइंट्स को बाइंग करवाया था ऑन फ्यूचर मतलब जो प्लान थ्री के लिए अंदर है बजाज फिंसफ अराउंड टेन थाउजेंड सेवेंटी पर बाइंग करवाई थी एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है हम लोगों ने इसका फ्यूचर बाय करा था अराउंडी फाइव का इसका शायद लॉट साइज है एंड हम लोग ट्वेल्व टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी के आसपास फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी के आसपास एग्जिट करे हैं आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आया ये वाली कैंडल जो बनी थी ये वाली कैंडल यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग ली थी एंड उसके बाद एक शार्प मूव और हम लोगों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसके अंदर भी देखने को मिला एंड ये यहाँ पर मैंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली मैं सोच रहा था ये मेरे लिए मे मंथ के लिए होगा बहुत आराम आराम से ऊपर जाएगा बट एक ही दिन के अंदर ऊपर चला गया था तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कर लिया है ओके सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हम लोग मिलते हैं वीडियो के लास्ट सो so, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इन दस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रखा है जो मैंने दस स्टॉक्स आपको बताया जो लेवल्स बताए गए हैं उन्हीं लेवल्स पे बाय करिएगा उन लेवल्स के नीचे बाय बिल्कुल मत करिएगा सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं उन्हें डायरेक्टली अगर आप फॉलो करोगे आप लोगों के लिए ज्यादातर बेनिफिशियल है ये वीडियो मैं सोच रहा हूं कि मैं हर मंथ लेकर आया करूं जब भी एक्सपायरी एक से एक दो दिन पहले एंड जो भी मैं जिस बेसिस पे भी मैं स्टॉक सेलेक्शन अपना खुद का करता हूं क्योंकि आप लोगों को पता है स्विंग ट्रेडर मैं इंटरडे नहीं करता मैं ऑप्शन एंड फ्यूचर्स पे थोड़ा बहुत ट्रेड करना स्टार्ट करा तो मैंने ये सारी चीजें फ्यूचर्स पे ही ले रखी है कुछ मैंने कैश में उठा रखे हैं ठीक है सो ये सारी डिस्कशन अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंथ जो कि वीडियो और आने वाली है डोंट वरी तब तक के लिए बाय बाय